हरे कृष्णा, इस्कॉन का नाम इस्कॉन क्यों पड़ा और इस्कॉन क्या है, चलिए जानते हैं। तो इस्कॉन का पूरा नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, जिसे हिंदी में हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मंच संघ भी कहते हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं कि इस्कॉन एक विदेशी संस्था है, तो नहीं, इस्कॉन सनातन धर्म में आ रही हजारों साल पुरानी एक ब्रह्मद गौड़िया वैष्णव संप्रदाय का ही एक अंग है। जुलाई 1966 न्यूयॉर्क में जब इस संस्था की स्थापना होने वाली थी, तो शिला प्रभुपाद से, जो इसके फाउंडर आचार्य हैं, उनसे पूछा गया उनके शिष्य द्वारा, क्या नाम रखना चाहेंगे स्वामी जी आप इस संस्था का? तो शिला प्रभुपाद बोले, इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो उनके शिष्य बोले, ये तो बहुत जेनरेटिक हो गया, फिर तो लोग बोलेंगे ये तो कृष्णा कृष्णा वाले हैं, ये तो सेक्टेरियन लोग हैं, कितना जनरलाइज कर देते हैं, व्हाई कांट वी यूज गॉड कॉन्शियस, गॉड नेम रख लेते हैं, ये तो थोड़ा जेनेटिक भी है, कृष्णा क्यों? तो शिला प्रभुपाद बोले, बहुत हो गया ये जेनेटिक टर्म्स, बहुत हो गया ये गॉड गॉड गॉड, ऐसे तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो ये गॉड बोल रही हैं, बट अल्टीमेटली शिला प्रभुपाद हमें हमेशा ये याद दिलाना चाहते थे कि एक तो कृष्ण भगवान है और हमारे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण भावना से भावित होना, कृष्णा कॉन्शियस बनना, हमारे जीवन का लक्ष्य हमेशा कृष्ण का स्मरण करना। वैसे अगर हम देखें तो हम भक्ति में बहुत कुछ कर रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं, हम टेम्पल्स बनवा रहे हैं, हम फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हम रथ यात्रा निकलवा रहे हैं, ये हम सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एग्जैक्टली प्रभुपाद ने मूवमेंट का नाम दे दिया कि हम ये इसीलिए कर रहे हैं कि हम कृष्णा कॉन्शियस बन पाए, हमारी भावना शुद्ध हो सके, हमारी भावना में कृष्ण आ सके। तो प्रभुपाद चाहते, मतलब प्रभुपाद ने इसीलिए हमारे मूवमेंट को ये, मतलब कृष्णा एक्शन नहीं दिया, कृष्णा थिंकिंग नहीं रखा, प्रभुपाद ने कृष्णा कॉन्शियस रखा, कृष्णा भावना रखा, क्योंकि जो भी भक्ति में कार्य हो रहे हैं इसीलिए हो रहे हैं कि हम कृष्ण का स्मरण कर पाए और तभी हमारा इस मूवमेंट में आना सफल हो पाए। संकीर्तन आंदोलन द्वारा भक्ति से जोड़ने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए हम श्री प्रभुपाद के सदैव आभारी रहेंगे। तो आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि आप अपने नजदीकी इस्कॉन सेंटर जाइए, वहाँ जाके भक्तों का संग करिए और भक्ति योग द्वारा अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा।